दोस्तों आज की क्लास होगी मैथ्स की, जो कि जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी रेलवे ग्रुप डी, यानी कि आपके प्रश्न रहेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपका प्रश्न रहेगा। 6 क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग CGPAFM और PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लासेस होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से ही वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर ले। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्लास देखेंगे आज का हमारा है। पहले हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला आपका सा है साधारण ब्याज से। कोई राशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कोई राशि है जो 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए कोई राशि है जो 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो इसके लिए फार्मूला होगा आपका गुना माइनस वन। ठीक है, गुनी माइनस वन बटा कितना हो जाएगा दर, दर दिया गया है या फिर वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष दिया गया है तो दर लिख सकते हैं या फिर वर्ष, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। उसके साथ क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब कोई राशि है 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो गुनी गुनी कितनी है, 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 बटा दर या वर्ष दिया गया, तो कितना दिया है 20 वर्ष। गुना 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? हाँ। अब 3 में -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये नीचे का 20। ठीक है, ये 100 का 100, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 दुनी 10, यानी कि कितना आ गया आपका 10%। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए है SSC ग्रुप डी रेलवे, जितने भी तैयारी कर रहे हैं CG, PSC उसके लिए बेस्ट क्लासेस है, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10%, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो फार्मूला आप सभी को बता दिए हैं, तो चलिए मान रखते हैं, तो गुनी माइनस वन बटे दर या वर्ष गुनी 100। ठीक है, डायरेक्ट उसमें मार रखते हैं, तो गुनी कितना है, 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस वन बटा कितना दिया गया यहाँ पर 10%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 100 से हम गुना करते हैं। ठीक है, 10 से कम 10 और 10 दहम 100, और ये 2 में 1 घटाया कितना था, 1 आया था, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 10 वर्ष आएगा, कितनी गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर नहीं हो क्या, एक बार और देखिएगा। ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा। देखिए कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, 2 माइनस 1 बटा कितना दिया है, 10%। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। देखिए अब 2 में -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 10 गुना 100। अब 10 को 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपसे आंसर कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। कितने राशि होगी स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही गुनी वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। स्वयं की 2 गुनी हो जाती, डायरेक्ट हम मान रखते हैं, पहले इसके लिए देखेंगे। ठीक है, 2 माइनस 1 बटा कितना रखेंगे, 5, कितनी गुनी, 5 वर्ष में, ठीक, गुना 100। इसके बाद क्या बोला गया है, स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। ठीक है, 6 माइनस 1 कितने वर्षों में, तो हमें ज्ञात नहीं है तो इसको x लिख लेते हैं। ठीक है, x, उसके बाद 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ बचा कितना, 2 में -1 घटाया कितना बचा, 1/5 बराबर 6 में 1 घटाया कितना बचा, 5/x। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 एम 25। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। यहाँ तक क्लियर होगा क्या, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो में एक बार आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है,
डेली क्लासेस कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ व्यापम की साथ ही पीएससी की, और रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट क्लासेस है, और साथ ही छात्र अधीक्षक की क्लासेस चल रही है आज रात 8 बजे, ठीक है, आज रात 8 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, ठीक है, उसमें आपको एक मिनट ना, जो क्लास चल रही है आज रात 8 बजे क्लास होगी, ठीक है, आज रात 8 बजे जो क्लास होगी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, उसका 50 टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, डेली, यानी कि टोटल 10 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, यानी कि 50 क्वेश्चन, यानी कि आपको 500 टोटल MCQ कराया जा रहा है, वो भी फ्री क्लासेस, तो जाके आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 8%। अब देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतनी समय में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए कोई धनराशि एक निश्चित समय में, तो इसको देख लिए यहाँ पर करते हैं, कितनी गुना है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 3-1, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, 3-1/8, अभी 8 कहाँ से आया, तो ये वाला है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं, उसके बाद क्या 5 गुनी हो जाएगी, तो इक्वल करते हैं, ठीक है, 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 5-1, ये x हमें दिया नहीं है तो उसको रख लेते हैं, इंटू 100, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3-1 का ऐड कितना, पहले तो 100 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, अब 3-1 का ऐड कितना है, 2/8 इक्वल टू 5-1 घटाएं कितना हो जाएगा, 4/x, ठीक है, तो 2×1=2 और 2×2=4, यानी कि 1/4 बराबर हो जाएगा 4x। देखिए यहाँ पर एक मिनट ना, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, तो कटेंगे कितना होगा, 1/4 बराबर हो जाएगा, ये 4 है, ठीक है, ये 1/4 बराबर हो जाएगा 4/x, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा कितना, 4×16 कितना आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन पहला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में आप सभी को बताया, ठीक है, 1 से लेकर 4 क्वेश्चन बताए वो साधारण ब्याज से था, ठीक है, साधारण ब्याज से। अब देखेंगे 5 और 6 क्वेश्चन देखेंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है, ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने 8 गुना हो जाएगी, सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। देखिए क्या बोला गया, कोई धनराशि है 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में, तो देखिए ऐसा समय निकालेंगे, 2 का 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, ठीक है, 2 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो 2 का 3 बार गुना करते हैं, 2 का 3 बार गुना करेंगे, 2×2, 2×2=4 और 4×2=8, यानी कि 8 आ रहा है, तो ये वाला घात लेंगे, ठीक है, ये जो घात लिए हैं उसको इससे गुना करेंगे, 15 × 45, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी में, ठीक, क्लियर नहीं होगा एक बार और समझिएगा, ठीक है। कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, ये 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने का 8 गुना बोला गया है ना, तो 8 गुना ऐसे गुना करेंगे, ऐसे घात करेंगे जो 8 आना चाहिए, तो 2 का 3 बार गुना करेंगे कितना जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, तो यही जो घात है उसको यहाँ से गुना करेंगे, तो 15 × 45, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ये में इस वाले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो चक्रवृद्धि ब्याज से है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है 12,000 रुपया, साथ ही धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो, तो एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना है, सबसे आसान तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मैं 2 से 3 दिन में अपलोड करता हूँ, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न को आप लोग एग्जाम में छोड़ देते हो, ठीक है, इसको समझिएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, देखिए 5 वर्ष में कितना बोला गया है, 5 वर्ष में 2 गुना बोला गया है, ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना बोला गया है, तो ये 2 गुना हो गया, ठीक है, 5 वर्ष में
दो गुना बोला गया है। अब 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 वर्ष बाद बोला गया, ठीक है। तो 20 वर्ष बाद देखते हैं, 20 वर्ष बाद क्या बोला गया, कितनी हो जाएगी बोला गया है ना। तो देखिए, 2 के घात 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। जो 16 आया है उसको 12,000 रुपये से गुना करेंगे, ठीक है जी। जो 2 से आया है 12,000 से गुना करेंगे, 12,000 गुना 16 करेंगे, ठीक है। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 16 शून्य 0, 16 शून्य 0 और 16, ये देखिए यानी कि 19 26, ये इतना आ जाएगा टोटल 19 26, ठीक है। ये इतना आपका आंसर आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी ये 19 26 नहीं है ना, 19 00 है, ठीक। एक मिनट ना, इसको कैंसिल करते हैं, इसको मैं अच्छा से लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हो गया, मिट गया ना। देखो, ये जो इसका गुणा करेंगे, 16 शून्य 0, 16 शून्य 0, 16 शून्य 0, 16 और 12 का गुणा करेंगे तो 192 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 6 क्वेश्चन आप सभी के लाए थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।